नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। दोस्तों, झुंझुनू जिले में कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती 2021 को लेकर पोस्टिंग देने का काम सीएमएचओ झुंझुनू ने यहां पर किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोविड हेल्थ असिस्टेंट एएनएम के 211 कैंडिडेट्स को पोस्टिंग देने और चार जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको पोस्टिंग देने का काम यहाँ पर किया है, यानी कि टोटल 215 कैंडिडेट्स को पोस्टिंग मिली है। साथ ही जो चार कैंडिडेट हैं उनको रिजेक्ट किया है। रिजेक्शन का क्या कारण रहा, इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं पूरी अपडेट। सबसे पहले जानते हैं 1394 नंबर लेटर है, वो 16 अक्टूबर 2021 को देर रात्रि यहाँ पर जारी किया गया है। इन्होंने कहा कि विभाग के आदेश दिनांक 18 मई 26 मई की पालना में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने, कोविड से संक्रमित मरीजों का समुचित उपचार उपलब्ध करवाने, चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने, मृत्यु दर को न्यूनतम करने, घर घर सर्वे, दवाई वितरण के कार्य को गति प्रदान करने के लिए कोविड हेल्थ सहायकों का चयन और नियोजन किए जाने की स्वीकृति जो है 31 जुलाई 2021 तक नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जिस तरह से प्रत्येक जिला स्तर पर स्वयं सेवकों का चयन और मनोनयन किया जाता है, उसी आधार पर जिले में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का चयन और नियोजन के आदेश यहाँ पर प्रदान किए गए थे। और इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 740 दिनांक 24 जून 2021 एवं दिनांक 30 जून 2021 तक आवेदन आमंत्रित किए गए एवं पत्र क्रमांक 997 दिनांक 4 अगस्त 2021 के द्वारा 10 अगस्त से 4/8 तक काउंसलिंग का आयोजन 14/8 तक काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। और श्रीमान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग के आदेश दिनांक 13 अगस्त 2021 के द्वारा एवं आदेश दिनांक 18 मई 2021 के क्रम में कोविड स्वास्थ्य सहायकों जो अवधि है वो 3 माह अगस्त से अक्टूबर 2021 तक बढ़ाई जाने की स्वीकृति के क्रम में काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता के प्रतिशत के आधार पर 215 अभ्यर्थी को जो चयन है वो यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों, टोटल 211 प्लस चार जो अदर कैंडिडेट, यानी कि 215 जो कैंडिडेट हैं उनकी जो अंतिम मेरिट सूची जो है उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग देने का काम सीएमएचओ ने किया है। साथ ही मैं बता दूं, कुछ जो अभ्यर्थी हैं, जैसे कि चार जो अभ्यर्थी हैं, आरक्षण के हिसाब से मेरिट में स्थान नहीं बना पाए, जिनका चयन जो है तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। आप देख सकते हैं किस कैंडिडेट का किस रीजन के कारण जो चयन है वो निरस्त किया गया है। सबसे पहला जो कैंडिडेट है उनका चयन जो आरक्षणवार मेरिट में स्थान नहीं बनाने के कारण इनको बाहर किया गया है। दूसरे कैंडिडेट को अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र हरियाणा का होने के कारण, तीसरे कैंडिडेट को जनजाति प्रमाण पत्र पंजाब का होने के कारण और चौथे कैंडिडेट को आरक्षणवार मेरिट में स्थान नहीं बनाने के कारण इनको रिजेक्ट किया है। डॉक्टर छोटेलाल जो है सीएमएचओ, उनके हस्ताक्षर से लेटर यहाँ पर जारी किया गया है। तो दोस्तों, टोटल 215 जो कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर चयन किया गया। साथ ही चार जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर रिजेक्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाला गया। अब देख लेते हैं 215 जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन से हैं जिनका यहाँ पर चयन किया गया है। आइए साथ ही मैं बता दोस्तों कि जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है नर्सेस न्यूज का, उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाकर आप आसानी से उसको ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हैं। अब जानते हैं 215 जो कौन से कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर मिटला। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं एक 1395 नंबर आदेश है वो यहाँ पर 215 जो कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पर चयन किया गया है उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग के जो आदेश है वो जारी किए गए हैं। 7,900 रुपए मासिक मानदेय पर इनको जो चयन है वो यहाँ पर किया गया है। साथ ही कुछ जो गाइडलाइन है उनका भी ज्वाइनिंग के समय इनको पालन करना होगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि संबंधित अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के लिए 10वीं की मार्कशीट का सत्यापन यहाँ पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों ज्वाइनिंग के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित जिले का पुलिस अधीक्षक का होना चाहिए, पुलिस स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सीएमएचओ द्वारा जारी किया जाना चाहिए, एसपी द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता के मूल दस्तावेज, ईडब्ल्यूएस ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, आरएनसी वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध हो, 1 जून 2002 के बाद में 2 से अधिक संतान नहीं होने का 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको शपथ पत्र, दस्तावेज फर्जी नहीं होने का शपथ पत्र,
विधवा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों को पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र और आज दिनांक तक उन्हें विवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र, तलाकशुदा की स्थिति में न्यायालय की डिग्री आपके पास और पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र आपको पेश करना होगा। और जिन जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन किया गया वो 10 दिवस में अपनी जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर देंगे। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं जो है राज्य सरकार के आदेशानुसार 31 अक्टूबर 2021 तक ली जाएगी, इसके पश्चात स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। डॉक्टर छोटेलाल जो CMHO है उनके हस्ताक्षर से ये लेटर यहाँ पर जारी किए गए। साथ ही आप देख सकते हैं जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी है कौन से कैंडिडेट को ज्वाइनिंग, तो आप आसानी से स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही जो लिस्ट है हमारे वो टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप आसानी से ज्वाइन होकर आसानी से इस लिस्ट को देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहां से जाकर आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 215 जो कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग देने का काम CMHO झुंझुनू ने किया है। मैं बता दूं कोविड स्वास्थ्य सहायक ANM के पद पर टोटल 211 जो कैंडिडेट है प्लस जो 4 अदर कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर चयन किया गया था, 215 कैंडिडेट का यहाँ पर चयन किया गया था। लास्ट में 211 कैंडिडेट को यहाँ पर पोस्टिंग देने का काम CMHO झुंझुनू ने किया है। साथ ही सभी जो चयनित जो कैंडिडेट हैं 10 दिवस के भीतर आपको ज्वाइनिंग करना होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल